हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। और मैं हूँ महिला। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, जब शादी के पहले अपने पार्टनर से कुछ समय बात करने को मिले तो क्या बात करें, कैसे बात करें। दोस्तों, पहले 10 वर्ष पहले की मैं बात करूँ तो पहले लोगों को मिलने या बात करने का कोई वैसा नहीं था, मतलब पेरेंट्स ही शादी फिक्स करते थे, अरेंज मैरिज होती थी। लेकिन आज के डेट में अरेंज मैरिज में भी पेरेंट्स लड़की और लड़के को बात करने का कुछ पल देखने या बात करने के लिए ज़रूर देते हैं। तो ऐसे में वो अपने पार्टनर से क्या बात करें और कैसे बात करें, आज की मेरी वीडियो इसी पर है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। फर्स्ट पॉइंट है, बड़े आराम से और अच्छे से स्माइल के साथ बात करें। और थोड़ा सा नर्वसनेस तो होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आएं और बहुत प्यार से बात करें, क्योंकि ये आपको एक मौका दिया गया है अपने लाइफ पार्टनर से बात करने का, चूज करने का। अगर पसंद हो तो बात करें, और नापसंद हो तभी भी शिष्टाचार मैनर अपनाते हुए ही अच्छे से बात करें, आराम से बात करें। सबसे पहले आप उन्हीं के बारे में बात करें कि व्हाट्स योर गुड नेम, नाम अच्छा पूछें, फिर नाम अगर अच्छा हो तो नाम की तारीफ़ करें। उसके बाद सीधा टॉपिक पे आ जाएं और उन्हें उनके बारे में बात करें, कैरियर में क्या उन्हें पसंद है नापसंद है, क्योंकि आजकल की लड़कियां कैरियर बनाना चाहती हैं शादी के बाद भी। तो थोड़ी सी उनके कैरियर के बारे में पसंद नापसंद जान लें, उनकी मनोस्थिति क्या है और वो क्या पसंद करती हैं नहीं पसंद करती हैं, इसके बारे में भी, मतलब उनके बारे में आप अच्छे से जान लें। मतलब उनके बारे में ही सिर्फ पूछें और बात करें, और आप सिर्फ सुने, क्योंकि सुनना भी बहुत अच्छा होता है अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए। तो पहले उनकी सारी बातें सुन लें और समझ लें कि उन्हें क्या पसंद है नापसंद है, वो क्या चाहती हैं और उनकी होने वाले हस्बैंड से क्या उम्मीदें हैं, कैसा वो सोचती है, इस बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए आप सिर्फ सुने। सेकंड पॉइंट से फिर अपने बारे में विषय में बताएं, और हाँ, जो आप हैं वही दिखाएं वही बताएं, ना कि नाटक करें। मतलब कोई भी दिखावा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि अभी आप कुछ और दिखा रहे हैं और शादी के बाद उस लड़की को कुछ और मिलता है, तो ऐसे में आपका रिलेशनशिप बाद में आगे चल के थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप ऐसा कोई भी दिखावा ना करें, आप जैसे हैं जो हैं मतलब कि वही दिखाएं, कुछ भी दिखावा एक्स्ट्रा ना करें, और अपने बारे में सच्चाई ही बताएं और सही सही तरीके से बताएं, और अपने बारे में भी बताएं। अगर वो अगला वो लड़की इंटरेस्टेड है या वो लड़का जिससे आपकी शादी होने वाली है, तो तभी आप अपने बारे में बताएं और जेन्युइन चीज़ें ही बताएं, कुछ बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं, और अपने बारे में बताएं ताकि वो भी आपको जान सके समझ सके, और फिर अपनी फ्यूचर की प्लानिंग उस चीज़ पे वो डिसाइड कर सके और आपको महसूस कर सके और अपने आप के साथ जोड़ सके कि मेरी फीलिंग्स या मेरे टाइप का ये लड़का या ये लड़की है कि नहीं, मेरे साथ आगे चल के रिलेशनशिप कैसा होगा। और अपने शब्दों का आप बहुत सही इस्तेमाल करें और सही तरीके से करें, और बहुत पावरफुल वर्ड्स बोलें और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करें। गर्ल्स हैं आप, बॉय हैं तब भी, और अगर आप गर्ल्स हैं मतलब जो भी हैं मेल या फीमेल, आप बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से बात करें और आदर से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, जिससे कि आपका इम्प्रेशन जो है अच्छा पड़ेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। थर्ड पॉइंट है, दूसरे की बात ना करें, क्योंकि ये समय बहुत मुश्किल से आपको मिला है, तो उसमें आप दूसरे की बात कहने का मतलब है कोई दोस्त की बात या फैमिली में कोई है तो उनकी बात आप ना करें, क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप के लिए आपका मीटिंग तय किया गया है, आपको मौका मिला है, तो आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें और समझें, क्योंकि आपका अगर रिलेशन आपस में मजबूत रहेगा फ्यूचर में, तो फिर अगर परिवार के कोई सदस्य अच्छे नहीं होते, रूडली भी होते हैं या थोड़े से अलग भी होते हैं, तो आप मैनेज करके चल सकते हैं। तो ये सोच के साथ आप दूसरे के बारे में ना बात करें, और आपको मौका मिला है तो उसका सही इस्तेमाल करें, और अपने लाइफ पार्टनर होने वाले जो भी लाइफ पार्टनर हैं उनसे आप बहुत अच्छी तरीके से बात करें, और
अपने दोनों के बारे में बात करें और अच्छे से बात करें, पोलाइटली बात करें और एक दूसरे को समझ ले, जान ले, उसके बाद किसी डिसीज़न पे पहुँचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह की मैं रिलेशनशिप की वीडियो, अमेजिंग वीडियो लाते रहती हूँ, पेरेंटिंग की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो भी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो इस तरह से मैंने 3 पॉइंट्स ही बताएं कि अगर आपको मौका मिले अपने पार्टनर से बात करने का शादी से कुछ दिन पहले या कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए मिले, कभी भी ऐसा मौका मिले, तो आप बस अपने एक दूसरे के बारे में बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।